हेलो दोस्तों, आप सबका न्यू गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, अभी चेक करें। रात को 8 बजे आने वाला है, दोपहर के 2 बजे आने वाला है। ऐसे बहुत से वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं और वो सभी आपको पागल बना रहे हैं, क्योंकि आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो डेट है और उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा या कब नहीं। चलिए देख लेते इस वीडियो में आपको कैसे पागल बनाया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देख लेते आपको कैसे पागल बनाया जा रहा है। देखिए, आपको सभी बता रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट दोपहर 2 बजे या रात को 8 बजे आने वाला है। आपको इतना तो पता है कि ना तो पहले एलपी का रिजल्ट आया है ना कुछ। पहले आपका एग्ज़ाम हुआ एलपी का, फिर उसके बाद आपकी जो है आंसर की आई, फिर उसके बाद आपनी जो अपने डाउट थे वो वहाँ पे फीडबैक के तौर पे दिए, फिर इसका ग्रुप डी का कैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा। किसी भी परीक्षा का जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसका पहले रिजल्ट नहीं आता, और आपको सभी बता रहे हैं रात 8 बजे देख लो या देख लो वहाँ देख लो, रिजल्ट अभी नहीं आएगा। तो देखिए, पागल मत बनिए। देखिए, यहाँ पे आपको जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो पागल बनने पे मजबूर कर रहा है, तो उसके पीछे मत भागे और ऐसे वीडियो पे भरोसा न मत कीजिए जो आपको पागल बना रहे हैं। देखिए, ग्रुप डी का जो है वो रिजल्ट आने से पहले आपकी आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद आपके अगर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गए या रेलवे की तरफ से कुछ मिस्टेक हो गए तो आपको आपकी जो फीडबैक है वो देना पड़ेगा और रेलवे वालों को बताना पड़ेगा कि आप या गलती कर रहे हो। उसके बाद जाकर कुछ दिनों बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। चलिए देख लेते हैं वीडियो को अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि द इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि देखिए 11 जनवरी को आपकी आंसर की आने वाली है ना कि रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहले आपकी जो है आंसर की आएंगी 11 जनवरी को, उसके बाद कुछ दिनों बाद जब आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद देखिए आपकी जो आंसर की है वो आंसर की आने के बाद आपको उनमें अगर रेलवे की तरफ से कुछ गलती हुई है तो आपको उस आंसर की पे आपने ऑब्जेक्शन लेना है। उसके बाद जाकर आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। तो आप ऐसे किसी वीडियो पे भरोसा ना करें जो आपको बता रहे हैं कि आपके रिजल्ट इस तारीख को आएगा या इस तारीख को, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।